डाल देते हैं इसमें। ऐसा सीखा कि नहीं, मतलब हम लोग को चलाते रहते हैं। भैया कौन सा बाइक है आपका? हाँ आपको मैं चेस कर रहा हूँ, मैं 125 के स्पीड में जा रहा हूँ, आप मेरे से आगे जा रहे हो। आप पकड़ रहा था हमको। मैं सोच रहा हूँ कौन सा बाइक इतना भाग रहा है। मालदार पार्टी से भी भाई भाई बस छपरी वाला चश्मा नहीं हो गया पहले फोटो ले लेता है वाला। उल्टा दरवाजा मिल गया है साले, खोपड़ी नहीं है हेलमेट उल्टा। ये तो ऑनलाइन तेल मंगाएंगे ऑर्डर करके। हाँ तो इसका खेल खत्म यहीं पे। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप कि सब बढ़िया हो। मैं हूं कन प्रसाद और मेरे साथ है मेरी ब्लैकी। और थंबनेल देख के पैसे आपको पता चल ही गया होगा कि आज क्या होने वाला है। आज ब्लैकी का माइलेज टेस्ट होने वाला है। वैसे एवरेज में ब्लैकी का करीब 36 का एवरेज दिख रहा है, बट मेरे अंदाज से मिनिमम 50 के आसपास दे रही है। तो ब्लैकी आज कितना माइलेज देगी, कितना दे रही है। एंड अब इसका फर्स्ट सर्विसिंग हो चुका है, 2000 किलोमीटर खुल चुका है और RPM भी मैंने ऑलमोस्ट पूरा खोल ही दिया है। तो अब देखते हैं कि कितना माइलेज देती है। अभी तो फिलहाल मेरे हिसाब से मिनिमम 50 के आसपास देना चाहिए, बाकी तो देख करने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए शुरू करता। अभी मैंने इसको स्टार्ट रखा है क्योंकि तेल खत्म हो जाए। मैं चाहता हूँ, मैं पहला राइडर हूँ जो चाहता हूँ मेरे बाइक का तेल खत्म हो जाए। तो अभी इसको खत्म करने के लिए मैं स्टार्ट रखा हूँ, खत्म हो जाएगा तो इसमें मैं 1 लीटर डालूंगा, उसके बाद वहाँ से फिर शुरू करूँगा। तो चलिए शुरू। अभी बीच रास्ता में ख़त्म हो गया और पब्लिक के सामने 1 लीटर बाइक पर तेल डालने में भी शर्म लगता है। इसमें हम जैसे देख सकते हैं पूरा 1 लीटर है। अभी इस 1 लीटर से अभी हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितना माइलेज देता है। अब इसको हम कर देते हैं, डाल देते हैं इसमें। उसके बाद हम इसको फुल करके चेक करेंगे कि इसमें ज़्यादा कितना है। अभी तो पहले 1 लीटर डाल लिया, अभी हम इसको चेक कर लेते हैं कि इसमें ज़्यादा कितना लीटर है। बोतल में रख लेता हूँ कि बोतल मुझे काम आएगा। उसके बाद हम अभी इसको मीटर में भी हम इसका ट्रिप को कर देंगे 0। ये हमारा ट्रिप हो गया, ये तो फ्यूल ख़त्म हो गया, उसका इंडिकेट कर रहा है तो इसको भी हम 0 कर देते हैं। फ्यूल का ये हमारा किलोमीटर है और ये हमारा फर्स्ट ट्रिप को हम 0 कर देते हैं। और सेकंड ट्रिप को, ये हमारा सेकंड ट्रिप है, सेकंड ट्रिप को भी हम 0 कर देंगे। तो अभी हमारा बाइक 0 हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखते हैं कि इसमें एक्चुअली में माइलेज देता कितना है। मैं भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ जानने के लिए कि हमारे बाइक में कितना माइलेज दे रहा है। पहले स्टार्ट हो गया यार, एवरेज 36 का देगा, बना भी देख कितना दे रहा है। फटा है हमको अभी से ज्यादा है। दिखा ना, दिखा, ब्लॉग बन जाएगा, दिखा दिखा, दिखेगा नहीं, दिखा ब्लॉग बन जाएगा, पीछे से पीछे से नहीं दिखेगा, दिखेगा ही नहीं। हमको बेटा वाला चाहता हूं भैया, हम चेंज करना तो पर भूल जाता है। ओ भाई मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर देना, ब्लैकी राइडर बोल के तुम लोग आ गया। हाँ ब्लैकी राइडर, हाँ ठीक है। तो सब्सक्राइबर कैसे बनेगा भाई, आ ही नहीं रहा। फाइनली अब हमारा 25 किलोमीटर कंप्लीट। तो मैं ऐसा सीखा कि नहीं, मतलब हम लोग उधर आते रहते हैं। वो वाले क्या पीछा करे, क्या बोल पीछा करे।
भैया कौन सा बाइक है आपका? हाँ आपको मैं चेस कर रहा हूँ, मैं 125 के स्पीड में जा रहा हूँ, आप मेरे से आगे जा रहे हो, आप पकड़ रहा था हमको। हाँ मैं सोच रहा हूँ कौन सा बाइक इतना भाग रहा है। ये कौन सा, कहाँ का ये? ये हस्कर नगर, ये कंपनी इंडिया में है? इंडिया का नहीं, इंडिया में है लेकिन, इंडिया में तो है अभी। ये तीन ना, ये कहाँ से मंगाया आप? ये तो असम से लिया। असम तेजपुर से? केटीएम में आता है ना ये? अच्छा केटीएम में आता है, मतलब कोलैब करके रखा है। अच्छा अच्छा, कितना है इसका टॉप स्पीड? इसका 160 जाता है प्लस। 160 आपका कितना ताना है? मैं तो माइलेज टेस्ट कर 135 में बस रह गया। अच्छा आप पीछे था हम, मैं भी आप पकड़ता आपको, बाइक तो अच्छा लगा मैं बोला। अच्छा, बाइक चेक करने के लिए हम लोग आ गए, आप इतना चलते क्या? मैं बोला वही मैं सोच रहा हूँ कि कौन सा बाइक इतना भाग रहा है। बाइक का मतलब मस्त लग रहा है, हम लोग गेस्ट नहीं निकल पाते कि आपका बाइक है कौन सा। अच्छा अच्छा, आपका रुकाना था हमको, हम नहीं रुकने। वो क्या नाम है जो स्पीड ब्रेकर नहीं था वो? हाँ, रेलवे क्रॉसिंग के पास। हाँ उसके थोड़े से पीछे पे थे हम लोग। अच्छा अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम लोग मिसामारी से। कैसे राइट पे? नहीं मैं निकला हूँ बाइक का फ्यूल टेस्टिंग पे। अच्छा फ्यूल टेस्ट कर रहे हैं? हाँ लोग कर रहे हैं। हाँ हाँ, आप कहाँ जा रहे हो? मैं तो जा रहा हूँ अरुणाचल घर। अच्छा आपके घर, यहाँ कहाँ गए थे आप? बोमडिला। एकदम मुद्दा की बात, हम इतना इतना कितना का एवरेज दे रही है आपका? एवरेज अभी हम अभी तो दे रहा होगा 30-35 तो दे रहा होगा। 35 सुबह निकलेंगे आप तो? सुबह मतलब 10 बजे निकला था, 10 बजे करीब में आराम से आया। बाइक तो बहुत यूनिक लगा, मार्केट में है ही नहीं ऐसा बाइक। और बाइक का लुक भी हमको तगड़ा लगा है, बाइक का लुक। दो आदमी से बैठ जाता है ना? कितना रेंज का ये भैया? ये सेम आता है उसका 250 के साथ ही आ जाता है। कितना कितना प्राइस का? 250 है, चला जाता है ऑन रोड का। प्राइस कितना है? 250। बढ़िया है बाइक तो, अच्छा लगा हमको। पहला देखा था लाइक हमको, मतलब भाई। हाँ भाई मेरे को भी मस्त लगा, और आपका जो पोजीशन था ना ये वाला एकदम हाल ही डिवीजन वाला फील आ रहा था, मस्त लग रहा था पोजीशन से। आप कौन सा बाइक लगा हुआ ना? मैं वही गेस्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ कि बाइक है कौन सा। मैं तो सोचा था वो है एम टी सेप्टर है क्या? अच्छा अच्छा, आप ठीक क्यों है? थक गया था। हम लोग ऑलमोस्ट पेट्रोल खत्म ही होने वाला है, 36 किलोमीटर चले। हाँ फिर है क्या आपका? तो ये नया है क्या? हाँ मेरा भी नहीं है। कितना हो गया? हाँ मेरा 3 महीना हो गया। सेम जा रहा है मेरा भी। ऐसे कुछ हम अक्टूबर को लिया था ना? अक्टूबर में? हाँ मैं भी अक्टूबर के 20-22 को लिया था। दिवाली में लिया? हाँ दिवाली में तू भी तो लिया था। हाँ 25 को मैं 22 को लिया। दिवाली में नहीं आता था? धनतेरस। अच्छा ऐसा रोड दे रहा था। वैसे हम तो बुकिंग करके रखा था बहुत पहले से ना, ये सब के लिए बुकिंग करना पड़ता। मैं ये वाला कलर आता था ना असली, पहले ये वाला कलर आता था। अच्छा सिल्वर में, ये जो व्हाइट नहीं था, अभी जो अपग्रेड कर दिया तो व्हाइट वाला आ गया। इसका अलग वाला भी है, आप लोग शॉर्ट पिलियन नहीं देखा? आप लोग नहीं देखा? मैं तो कंपनी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। हम तो पहले हम भी कंपनी पहली बार देखा, और बाइक का ये लुक भी हम पहली बार देखा। इसका दो बाइक आया है सिर्फ अभी तक, सिर्फ दो बाइक। हाँ एक जो आपका ये उसमें ड्यूक जैसा हैंडल है उसका। अच्छा उसमें क्लिप ऑन नहीं है ऐसा? अच्छा अच्छा, अब थोड़ा कंफर्ट है उसका। कंफर्ट जो पूरा ब्लैक है, पूरा सेम ही डिजाइन सेम है वो टूरिंग के लिए। फिर उसमें आपको या में टैंक में होल्डर भी, बैक को होल्ड करने के लिए भी मिलता है। अच्छा सेम है, बाकी पूरा सेम है ब्लैक में। इसमें तो वो फिस्ट वो नहीं लगेगा पीछे? हाँ हाँ, ये तो आपका सिटी के लिए, सिटी के लिए। ये तो आपका डायरेक्ट कैफे रेसर का। पर अच्छा लगा भाई आपका? अच्छा हमको सबसे अच्छा भी बाइक है, इससे थोड़ा यूनिक लगा मेरे को। आते रहते होगा ना आप लोग? हाँ हम लोग मिसामारी के। अच्छा ये रोड अच्छा है ना? हाँ अभी तो ये रोड अच्छा है। अभी आपको अभी आपको जूता का बारिश हो रहा है, ज्यादा नहीं करो, फर्स्ट टाइम करो, लास्ट फर्स्ट और आखिरी यही है। हाँ तो मैं कभी फुल पे एवरेज भी अच्छा निकलता है इसको, तो बहुत अच्छा होगा। 40 ऊपर है ना? 50 पकड़ते हैं, पर अभी कम है बोल के अभी यहाँ पे 60 दिख रहा है मेरे को। मैं मतलब 50 तक निकाला हूँ, गुवाहाटी गया था तो 50 तक दे रहा था। आपका तो क्विक शिफ्टर है ना इसमें? क्विक शिफ्टर है। ठीक है ये ब्लॉग भी आएगा शायद। ठीक है ठीक है, होगा ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आपको? नहीं 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 कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत? चलिए बाय। हाँ मुझे अच्छा लगा। मेरा नाम ताशी, ताशी है। अच्छा कभी उधर आएगा, मिल गए तो गलती से अच्छा लगेगा। नहीं वहाँ तो बहुत सारा ताशी मिल जाएगा। अच्छा आपसे मिलना, हमें सबसे पहले मिलना। मैं वहाँ नहीं रहता ना इतना, हम तो ईटानगर में रहने का पता हूँ, हम लोग मुसाफिर है, कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। तो अभी पूजा है इसलिए जा रहा है। आपको पहचाने ज्यादा दिक्कत नहीं होगा? बाइक निकलेगा बाइक से पहचाने नहीं पहचान। नंबर तो आए, अच्छा नंबर AR है 04। 04 अपना 7 सिस्टर में एक होगा मेरे हिसाब से। हम लेके
अभी घर पहली बार जा रहे हैं। पहली बार इसमें कितना वेटिंग करना पड़ा आपको? वेटिंग टाइम पीरियड कितना था? रुका दिया उसने 6 मंथ। ओह भाई, तीन मंथ। ओह भाई, बीच में नहीं ओके, हम ड्यूप ले लेगा सोच रहा था। मैं लेने वाला था हिमालयन, और उसका 4 मंथ्स वेटिंग पीरियड था। आप क्या टूरिंग के लिए? हाँ टूरिंग के लिए जो भी हो, चलो ठीक है। मतलब मेरे को, मैं कर रहा हूँ एनिमेशन का कोर्स, तो उसी में है, तो मैं सोचा वीडियो वगैरह एडिटिंग सीख ही रहा हूँ तो इधर लगा लेता हूँ। एक्चुअली वीडियो में जो एडिटिंग बहुत वो है ना। हाँ, अभी मैंने कंप्यूटर नहीं लिया है इसको, लेकिन ले लिया था कंप्यूटर नहीं ले पाया, उसके लिए हैवी कंप्यूटर चाहिए ना। हर किसी को नहीं बोलता हूँ कि मेरा चैनल है, मैं बोला जब कंप्यूटर ले लूंगा उसमें नेक्स्ट लेवल एडिटिंग करूंगा तब अच्छा लगेगा, क्योंकि फोन का एडिटिंग कोई काम का है ना। आपको कैमरा भी अच्छा लेना पड़ेगा अभी, मतलब फोन से बस इतना कि मोनिटाइज हो जाए अकाउंट, उसके बाद तो फिर अच्छा ले ही लेंगे। आगे जाएंगे जहाँ तक ये खत्म हो जाए। चले बाय। हाँ भैया से मिलकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही भैया का भाई बहुत मस्त था भाई, जो भी बोलो भाई, मैंने मार्केट में देखा नहीं, घर जाके इसके बारे में रिसर्च करूँगा क्या है क्या नहीं, पर भाई मज़ा आया, भैया भी अच्छे थे और नाचन के दोनों नाचन के लोग अच्छे होते हैं एक्चुअली। पर मेरा तो दोस्त सेम इसकी तरह है, इसी के तरह है। हाँ भाई तेरी तरह, तेरा भाई क्या देखा नहीं तू? बहुत दूर है, ये तो ऑनलाइन तेल मंगाएगा ऑर्डर करके। हाँ तो इसका खेल खत्म यहीं पे, 38.5 किलोमीटर का एवरेज मिला R15 में जो अनएक्सपेक्टेड है, मेरे को उम्मीद था 45-50 का आसपास देना चाहिए। क्या बोल रहे भाई, क्या बात, तू ही बता दे। हेलमेट लेना हो कभी भी, ऐसा हेलमेट लेना करना भाई, ऐसा हेलमेट कभी भी राइडिंग नहीं करना, हेलमेट से लगा के स्पीड में चलाओगे डायरेक्ट, ऐसे हेलमेट पहने के डायरेक्ट गुड़ जाएगा। वो फिर मूवी वाला सीन हो जाएगा, इसका माता हो क्या, खोपड़ी उल्टा हो गया, मेरा घुर गया था बाहर, खोपड़ी नहीं साले जैकेट उल्टा, तेरा बार बोल गया साले खोपड़ी नहीं हेलमेट उल्टा। तो अभी हमारा ये फर्स्ट ट्रिप है, ऐसे ये सेकंड ट्रिप है जिसमें दिख रहा है 38.5 किलोमीटर, अपना फर्स्ट ट्रिप देख ले तो उसमें कितना दिख रहा है, इसमें 38.5 किलोमीटर, और यहाँ पे बाइक पूरा ही तेल ख़त्म हो चुका है। हाँ पूरा तेल ख़त्म हो चुका है, अब इसको हमारे पास एक्स्ट्रा तेल है, अब उससे डाल के हम घर पहुँचेंगे। तो आप लोग जान लो कि R15 अगर फ्यूल ज़्यादा हो तो मेरे हिसाब से 40 प्लस देगा, बट अभी तो फ्यूल है नहीं, वो कम पे ऑलमोस्ट मतलब कम ही देता है, क्योंकि मतलब हिलता है और पता नहीं किस रीज़न से इंजन उतना गर्म भी नहीं होता शायद, इसलिए 38 तक का देता है। बट अगर तेल फ्यूल ज़्यादा होना गाड़ी में तो मैंने नोटिस किया है कि एवरेज ज़्यादा ही मिलता है। तो अभी हम नामेरी तक पहुंचने वाले थे बट अरे सब यहाँ ख़त्म हो गया। तो अभी सबको पता चल गया कि R15 का माइलेज कितना है, पर अभी इसमें हम एक चीज़ और करेंगे, देखेंगे कि R15 का तेल फ्यूल टैंक है कितने लीटर का, हमने सिर्फ अभी इसमें आधा लीटर डाला, मेरे पास 1 लीटर तेल है जो मैंने हाफ लीटर बचा लिया है और हाफ लीटर इसके अंदर डाल दिया है, और बाकी मैं चेक करना चाहता हूँ कि इसके अंदर जाता कितना एक्चुअली में तेल। मेरे हिसाब से 11 से 13 लीटर का अंदर जाना चाहिए, बट अभी भरने के बाद पता चलेगा कि कितना लीटर जाता, तो पेट्रोल पंप ज़्यादा दूर नहीं है इसलिए मैंने सिर्फ हाफ लीटर डाला है। तो चलिए चलते हैं वहीं पर, आप देखते हैं कितना भरा हमें कम होता है, सब जा गया फुल कीजिए, 0
यहाँ पे सब मालदार पार्टी सब भी भाई बाइक लिखा था 900 लिखा हुआ है। हाँ 900 सीसी का जेड एन सबसे पॉपुलर है। देखो क्या गाड़ी जाएगा क्या अगर महिला बना ग्यारह सौ का 11 लीटर भाई वो निंजा बाइक लेके गया था ये बाइक खरीद के लाया पता देखो ठीक है नहीं हाँ। वो बाइक लेके गया था और ये बाइक खरीद के लेके आया कहीं से और वो बाइक को गाड़ी में लोड करके लेके आया दागी क्या भैया का भी वीडियो ले मन तो हो रहा है बस क्या जल्दी जल्दी तो यहाँ पर हमारा हो चुका है फुल पूरा भर्ती और इसमें हमारा पूरा टोटल गया है 12 लीटर कंपनी 11 लीटर बोलता है हमारा 12 लीटर चला गया है पूरा तेल फूल हो गया है पूछते क्या भैया आपके बाइक के साथ फ़ोटो ले लूँ क्या ले लो हाँ हाँ गिराऊंगा नहीं भैया वैसे नाइस बाइक कहाँ अभी लेके आ रहे क्या शोरूम से लेके आ रहे क्या कहाँ गुवाहाटी थैंक यू भैया आज का ब्लॉग इधर ही ख़त्म करने वाला हूँ मैं मेरा बाल हेलमेट पहनने के बाद बाल का अवस्था कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो चुका है तो मेरे बाइक में 1.5 लीटर वैसे तेल था और 12 लीटर पूरा डाला मैंने 1100 रुपये का पूरा मतलब मेरे हिसाब से 12.5 लीटर का टैंक है इसमें कंपनी 11 लीटर क्लेम करती है बट इसमें 12 लीटर से 12.5 लीटर चला जाता है और माइलेज तो आप लोगों को पता चल गया 38.5 का एवरेज दे रहा है शायद आने वाले टाइम पर और भी ज़्यादा दे दे एंड तेल कम था उसके वजह से शायद कम होता है तो राइड कैसा लगा आप लोगों को वो बताइएगा एंड इस वीडियो में 500 लाइक का टारगेट रखता हूँ हो सके तो आप लोग कर देना और किस वीडियो किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसको भी कमेंट कर देना और आज का वीडियो को मैं इधर ही ख़त्म करने वाला हूँ अभी जा रहा हूँ घर और गर्मी भी आज ज़्यादा हो रही है देखो मुझे पसीना आ रहा है तो चलो मिलते हैं और ऐसे कमाल के वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाय बाय।